राजस्थान में लगातार पॉलिटिकल धमाके हो रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने काफी कुछ कहा है, 10 करोड़ कत्तार। ऐसे पहली बात तो धमाके होते रहना चाहिए, इससे राजनीति में जागृति पैदा होती है, लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है। बाकी मैं समझता हूँ जो शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द ठीक नहीं है। लेकिन सर भारत जोड़ो यात्रा भी आ रही है और उस दरमियान इस तरीके के धमाके कहाँ तक उचित है? अरे बड़े लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ जनता सब समझती है और जनता में जागृति भी है, ये सब बात अपना। मानेसर जाने का हिसाब मांगा कि मानेसर क्यों गए थे? नहीं, मानेसर जाने का हिसाब तो हमने देखो वो बता दिया, हाईकमान को बता दिया था, प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी को हमने बता दिया कि हम क्यों आए। लेकिन सर सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है। सबूत तो अरेस्ट करो। चिकित्सा मंत्री ने कल कहा है कि मानेसर गए थे, जनता को बताना चाहिए, तो आप भी मानेसर? देखो मेरे पास चिकित्सा मंत्री तो वैसे तो हमारे बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं वो, लेकिन आजकल क्या है कि पता नहीं डिपार्टमेंट बड़ा है क्या चक्कर है, नहीं तो उनको आजकल हम मानेसर वाले के बारे में दिखाई दे रहे, नहीं उनको नमोनारायण जी दिखाई दे रहे, नहीं करोड़लाल जी दिखाई दे रहे, और सचिन पायलट इतने बड़े नेता हैं, नहीं उनको वो दिखाई दे रहे। लेकिन सर क्या कारण है, क्यों नहीं दिखाई दे? और ये पता नहीं उनसे पूछा क्या चक्कर पड़ रहा है। लेकिन सर एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिल रही, क्या यही कारण है क्या जो इतनी बौखलाहट आ रही है राजस्थान की पॉलिटिक्स में? भाई सचिन पायलट मैं कहता हूँ बहुत गद्दार नेता है, पार्टी को उसका फायदा है, यंग है, जवान है, अभी मेहनती लड़का है, और सबको मिल करके ही काम करे तो पार्टी को फायदा होता है। आप तो गद्दार कर रहे हो, वो तो गद्दार कर रहे हैं सीधा सीधा। अब हो सकता है वो गद्दार को गद्दार बोलते हो। लेकिन सर सीधी सी बात यह है, अभी जयराम रमेश जी ने सचिन पायलट की बड़ाई करते हुए ये कहा कि नेता आते जाते हैं, ये सारा किसकी तरफ है, सचिन पायलट तरफ है कि अशोक? ऐसा ही बड़े नेता है, मैं उस बात को नहीं जानना चाहता। मैं ये कह सकता हूँ अगर सचिन पायलट काफ़ी प्रभावशाली नेता है और हर व्यक्ति का महत्व होता है और सबको मिलकर पार्टी में काम करना चाहिए। प्रभावशाली आप कह रहे हैं प्रभावशाली है, उसके बावजूद भी एक विधायक बनकर बैठे हैं, सुन नहीं रहे, लगातार बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। अब ये मेरे हाथ में तुरंत सुन ले, अब तुम पुराना जाने क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे सर, क्या मेरे हाथ में थोड़ी है सुनना। सर ये भी कह रहे हैं कि 10 विधायक हैं उनके साथ, आइए तो बताओ आप फैसला करो ईमानदार कितने हैं, आप बताओ। वोटिंग करवा लो ना, तो फिर वोटिंग करवा लेंगे तो क्या रहेगा, आपको पलटा भारी हो जाएगा। नहीं भारी हल्के से कोई मतलब नहीं है, उसे क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर कई दो साथ चल जाएगा उनकी भाई कितने। मैं ये नहीं कहता और ये भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होनी चाहिए, अंदर बात होनी चाहिए, इंटरमैन टू मैन मिलना चाहिए, जनता के बीच में सारी बातें नहीं जानी चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान होता है। ऐसे बयानबाजी से कार्यकर्ता की जो जोश है कमी आएगी 2023 मिशन लेकर। अरे हमारे जात जोश सारा कार्यकर्ता उल्टा खाका मारी है, मतलब लड़ाई फायदेमंद है आप लोगों के लिए? नहीं हमारे जात जोश है हमारे, नहीं आप कह रहे हो ना कि हाँ तो मैंने कहा जागृति पैदा होती है, आम समय लोगों को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, दिमाग लगाने का मौका मिलता है, एक्सरसाइज होती है, कार्यकर्ताओं में चहल पहल होती है। अब इसका कितना असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा पे? भारत जोड़ो यात्रा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भीड़ ज़्यादा आएगी। सर राजस्थान में क्या पंजाब 2 का सीन लिखा जा रहा है? यार मेरे को पता नहीं, मैं इतना बड़ा नेता हूँ नहीं क्या हूँ, मेरे को ये है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। कि कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव के बाद में फेरबदल, अगर समय से फेरबदल होता है तो पार्टी 2023 में आसानी से जीत जाएगी, नहीं मुश्किल है। देखो मैं तो कह सकता हूँ अगर हाईकमान, जो मैंने पहले बोला था कि जो हाईकमान फैसला करेगा वो फैसला हमको मान्य होगा, और हाईकमान को इस पर जो भी डिसीजन जल्दी करने चाहिए, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और लोग असमंजस हो रहे हैं सारे कार्यकर्ता, और एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो 2023 में हमारी सरकार रिपीट होगी। सर हाईकमान की तो सारे बात कर रहे हैं लेकिन मान कौन रहा है? अब वो तो अब हम हाईकमान तो है नहीं, अभी हाईकमान की हाईकमान वाला जाने को मानना चाहिए पार्टी में। हाईकमान क्यों नहीं सुन रहा है? ये मेरे पता नहीं है ज्यादा। आप मतलब मानेसर वालों को ये गद्दार कह रहे हैं तो क्या उस दिन जो 25 नवंबर को सितंबर को जो अक्टूबर को वो हुई थी मीटिंग, वो लोग गद्दार हैं उन्होंने? आज ये बताओ हाईकमान ने मीटिंग बुलाई थी, हम तो हाईकमान से दिल्ली मिलने गए थे, हाईकमान से मिल के आए, बैठ के बात करके आए, हाईकमान ने जैसे हमको दिशा निर्देश दिए हम वापस राजस्थान में आ गए और हाईकमान की बात किसने नहीं मानी? अभी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि गद्दार है कौन आकर। अनुशासनहीनता किसने की सर? अब ये सब जानते किसने करी भाई, जो हाईकमान की बात नहीं माना वो अनुशासनहीन होगा। हमने हाईकमान हम माने सर गए थे, हाईकमान की बात मानी, हम वापस आ गए, अब हाईकमान ने जयपुर मीटिंग बुलाई, कौन लोग नहीं गए? अब हाईकमान अनुशासनहीन कौन है इससे अंदाजा लगा सकते हो? वो नहीं गए तो सब गद्दार है। आप नहीं जानते हो क्या? लेकिन सर हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस के जयचंद कौन है आखिर में? अब जयचंद क्या है कि अब ये तो समय बताया कौन है।